हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। सो गाइज, आपको भले मेरी शक्ल ना दिखे मगर क्योंकि मुझे पेशेंट का पूरा आपको शोल्डर दिखाना है और आज हम पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम पैसिव मूवमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और पैसिव मूवमेंट में आपको क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं ना दिखूँ तो कोई बात नहीं, मगर ये पूरा हाथ और शोल्डर की कैसी मूवमेंट होने वाली है, कैसे मैं पकड़ने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। माइन्यूट माइन्यूट सी चीज़ों को आप जितना ज़्यादा ध्यान में रखेंगे उतनी अच्छी बात है। और फिर मैं आपको इनमें सारी चीज़ें मूवमेंट करके बताऊँगा, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन और पैसिव मूवमेंट में आपको कैसे काम करना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज, आप जैसे पेशेंट देख पा रहे हैं, पैसिव मूवमेंट्स में हम लोगों को खुद ही मूवमेंट्स करनी है, पेशेंट खुद से कुछ नहीं करने वाला है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो शोल्डर फ्लेक्शन को करके देखना है। तो शोल्डर फ्लेक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि आप पेशेंट की एक तरफ से रिस्ट को अपने एक हाथ से पकड़ लें, देखिए मैंने एक हाथ से स्कूप कर लिया, दूसरे हाथ को आप एल्बो के नीचे रख लें। ये स्कूपिंग पोस्चर रहता है जब आप पूरे एल्बो को नीचे से सपोर्ट करेंगे। तो अब आपको पेशेंट को फ्लेक्शन करवाना है तो सीधे यहाँ से आप होल्ड करके उठाएंगे। आप देखिए स्टैंस, देखिए एक वॉकिंग स्टैंस में आ जाइए और फिर आप यहाँ से इसे सीधे पीछे की तरफ आप इसको पूरा लेके जाएंगे और फिर यहाँ से वापस लाते समय आप स्लोली 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 से सीधे नीचे लेकर आएंगे और सीधे कर लेंगे। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है या उसे पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हाथ को अपने जितना हो सकता है बॉडी के क्लोज लेके आना है और फिर आपको पकड़ के कोशिश करनी है कि आप जो हैंड है हम उसको पूरा आराम से आप पहले उठाएं ऊपर और फिर पीछे तक आप अपनी वॉकिंग स्टैंस में जैसे आप खड़े हो इसको पीछे तक लेके जाएं। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा आपको फ्लेक्शन करके दिखाया। अब हम लोग गाइस फ्लेक्शन में देख क्या रहे हैं, तो फ्लेक्शन में हम लोगों को सबसे पहले तो एंड फील, इसमें रेंज क्या है वो देखना है और पेन किसी लिमिट में है कि या किस रेंज में है वो देखना है। तो सबसे पहले तो जो पेन का मैं आपको बता दूं कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ओकेशनली कभी कभी मसल स्ट्रेच हो जाती है तो हो सकता है। और जो हम लोग यहाँ रेंज देख रहे हैं शोल्डर की, ये लगभग 165 डिग्री तक आपको आराम से पूरा का पूरा रेंज मिलेगा अगर आप पीछे तक लेके जाएंगे और फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एंड फील जो आप देखेंगे जब आप पूरे हैंड को पीछे तक लेके जाएंगे पैसिव मूवमेंट में, तो आपको जो एंड फील मिलेगी वो आपको हार्ड एंड फील देगा। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ जिसमें कभी कभी अगर कुछ होगा तो आपको क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए गाइस कि कोई रोटेटर कफ इंजरी है, तो रोटेटर कफ इंजरी में अगर आप पैसिव मूवमेंट कराएंगे, पूरे हैंड को स्कूप करके पीछे तक लेके जाएंगे आराम से और फिर वापस लेके आएंगे फ्लेक्शन में, तो आपको रोटेटर कफ इंजरी में कोई मूवमेंट नहीं मिलने वाली है। क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी जो है वो मेनली फ्लेक्शन जो काम है दूसरी मसल्स का है, इसमें आपको अगर एक्टिव मूवमेंट हो रही है रोटेटर कफ इंजरी में, अगर कोई पेशेंट एक्टिव मूवमेंट करेगा तो आपको पेन देखने को मिल सकता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में क्या होता है कि अगर शोल्डर का आर्थराइटिस है मान लीजिए और आपको उसमें पैसे मूवमेंट आप कराएंगे, तो आप जब मूवमेंट कराना चालू करेंगे तो आपको जो रेंज है वो लिमिटेड मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ड एंड फील है और उसके ज़्यादा आगे मूव नहीं कर रहा है, तो आपको इसमें जो रेंज है वो लिमिटेड मिलेगी और आपको एबनॉर्मली हार्ड एंड फील महसूस होगा। जैसे नॉर्मली एंड फील होता है बोन से पूरा कवर अप हो जाता है, उसका एंड फील अलग रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका एबनॉर्मल हार्ड एंड फील रहता है। फिर आता है सब एक्रोमियल इम्पेजमेंट। तो सब एक्रोमियल इम्पेजमेंट में क्या होगा कि जब आप पैसिवली मूवमेंट करेंगे तो पेशेंट हो सकता है कि आपको पेन बताए, हो सकता है कि पेशेंट आपको बताए कि उसको पेन नहीं हो रहा है। तो पैसिव मूवमेंट में आपको सब एक्रोमियल इम्पेजमेंट में हो सकता है पेन मिले, हो सकता है ना भी मिले। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव मूवमेंट के टाइम पे आपको पेन देखने को मिल सकता है। अगर किसी केस में मान लीजिए मसल स्ट्रेन है, तो लिटिल या नो पैसिव मूवमेंट पे आप मतलब पैसिव मूवमेंट है आपको बहुत कम या बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा, और फिर अगर आपको पेन महसूस होगा तो वो एक्टिव मूवमेंट्स पे होने वाला है मसल स्ट्रेन्स में भी। तो ये बेसिक मैंने आपको तीन चार कंडीशंस बता दी हैं। इसके बाद गाइस हम एबडक्शन पे आ जाते हैं। तो एबडक्शन देखिए शोल्डर का, क्योंकि हमको एबडक्शन करना है तो सेम पोजीशन रहेगी, एक हाथ से आप रिस्ट को पकड़ लें पेशेंट की, दूसरे हाथ से आप स्कूप कर लें और फिर आप पीछे की तरफ एक वॉकिंग स्टैंस वाला जो रहते हैं वैसे स्टैंस लेके और फिर आप पूरा एबडक्शन करेंगे। अब ये देखिए एबडक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ करके, ये बहुत ईजी है क्योंकि एबडक्शन और फ्लेक्शन दो ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि सुपाइन लाइन में पैसिव मूवमेंट करने में आपको इजी लगेंगे। अब एबडक्शन में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, हम पहली चीज़ तो इसकी मसल्स में देख रहे हैं कि पैसिव मूवमेंट में करते समय कहीं कोई पेन तो नहीं आ रहा है पैसिव मूवमेंट में, या कोई लिगामेंट या जॉइंट की वजह से तो पैसिव मूवमेंट में कोई पेन नहीं है। रेंज अगर आप देखेंगे पैसिव मूवमेंट की पूरी, तो आप आराम से अगर इसे 0 डिग्री मान लेंगे तो आप यहाँ से जब पूरा का पूरा हैंड को ऊपर तक लेके जाते हैं तो 170 डिग्री तो आपको आराम से मिलेगी और उससे ज़्यादा भी आपको फिर देखने को मिल सकता है।
मसल का फुल रेंज ऑफ मोशन पैसिवली आपको आराम से मिलेगा। लिगामेंट और जॉइंट में अगर आप देखेंगे कि अगर कोई लिमिटेड रेंज, अगर लिगामेंट्स या जॉइंट की कोई कंडीशन होगी तो आपको फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि लिमिटेड रेंज मिले। अब इसका एंड फील कैसे महसूस होगा कि आप जो नॉर्मल इसमें आप मूव करेंगे एबडक्शन में, तो आपको नॉर्मल एंड फील होगा। जब आप पूरा एंड तक लेके जाएंगे तो हम लोगों को नॉर्मल जैसे अंदर फील होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस तक आप कर पाएंगे तो पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा। मगर अगर कोई कंडीशन है जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और उस कंडीशन में अगर आप सोचेंगे कि आप पेशेंट के हाथ को स्कूप करके होल्ड करके एबडक्शन करने की कोशिश करें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को पेन भी ज़्यादा महसूस होगा, और साथ साथ में अगर फ्रोजन शोल्डर है अगर कहीं पर, तो फ्रोजन शोल्डर में फिर पेशेंट का उतना टाइट मूवमेंट आ जाएगा कि आप कितना भी थोड़ा भी और पुश करने की कोशिश करेंगे तो हैंड और एबडक्शन में नहीं जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा और पेशेंट को पेन भी फील होगा पैसिव मूवमेंट्स में। फिर गाइज इसी में हमारी तीसरी मूवमेंट आती है इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, वो भी शोल्डर का। अब आप देखिए, ये मैंने हैंड को पकड़ लिया, यहाँ से मैंने रिस्ट को होल्ड किया, मैंने अपने हाथ से वापस स्कूप किया, मैंने 90 डिग्री तक एबडक्शन किया। अब 90 डिग्री पे एबडक्शन करने के बाद यहाँ से इंटरनल रोटेशन करना और यहाँ से एक्सटर्नल रोटेशन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। अगर आप जीरो से ये मान लें कि ये जीरो है और यहाँ से आप इंटरनल रोटेशन करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको 70 डिग्री तक आपको ईजीली मिल जाएगा। अगर 70 डिग्री से ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर कुछ जॉइंट लैक्सिटी का भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट है। 70 डिग्री तक आपको आराम से मिलता है, और फिर अगर आप एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन में भी वही 70-80 डिग्री तक मिल जाता है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा लैक्सिटी है जॉइंट के अंदर। अब आपको इसमें महसूस क्या करना है, अगर आप कभी भी पैसिवली एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन करते हैं तो टिपिकली कोई पेन आपको कभी नहीं मिलने वाला है। लिगामेंट और जॉइंट की किसी कंडीशन में है तो अगर आप पेनफुल, अगर आप एंड रेंज में जाकर कुछ कोशिश करेंगे इंटरनल रोटेशन करने की या एक्सटर्नल रोटेशन करने की, तो आपको पेन महसूस हो सकता है। दूसरी चीज़ इसका रेंज, तो गाइज एक्सटर्नल रोटेशन मैंने आपको बताया कि 70-80 तो आपको आराम से मिलता है, मगर एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज 100 डिग्री तक होती है। अब जीरो से आप मान लीजिए कि यहाँ तक तो 90 है, 90 के भी पीछे आप चले जा सकते हैं तो ऑलमोस्ट 100 डिग्री तक। इंटरनल रोटेशन मैंने आपको जैसे बताया 70 डिग्री तक रहता है, अगर इससे ज़्यादा है तो कुछ जॉइंट लैक्सिटी हो सकती है। फिर आपको मसल जो पॉसिबली हैं इसमें, अगर किसी मसल्स की वजह से कोई दिक्कत हो रही हो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में, तो फिर आपको रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज मिलेगा। लिगामेंट या जॉइंट की कोई कंडीशन होगी तो उसमें भी आपको रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा फिर अपना आ गया एंड फील, कि आपको एंड में फील क्या होने वाला है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में इंटरनल रोटेशन करवाएंगे या आप एक्सटर्नल रोटेशन करवाएंगे तो आपको इलास्टिक जैसा फील आएगा कि आप जैसे एक्सटर्नल रोटेट कर रहे हैं तो इलास्टिक फील दे रहा है। बट अगर इलास्टिक फील नहीं हो रहा है तो कुछ मसल पे एथोलॉजी हो सकती है, जैसे कि इलास्टिक एंड फील अगर नहीं आ रहा है तो पॉसिबली फिर पेशेंट बताएगा कि उसको पैसिव मूवमेंट में पेन है, तो हो सकता है मसल इन्वॉल्वमेंट हो। अगर जॉइंट या आप लिगामेंट की कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको हार्ड एंड फील होगा। हार्ड एंड फील जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको फिर लिगामेंट ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट है जहां पर आने के बाद बहुत हार्डनेस आ गई है, इलास्टिक के पूरा का पूरा काम नहीं है, हैंड व्हील जो है वो इलास्टिक नहीं दे रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि लिगामेंट या जॉइंट की कोई दिक्कत है। अब इसके बाद क्या है गाइज, मैं आपको मैंने बताया कि फ्लेक्शन, एबडक्शन और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये तीन चार चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आप इसमें पूछेंगे कि एक्सटेंशन कैसे करवाना है, तो एक्सटेंशन वैसे बहुत नॉर्मली आप पेशेंट को थोड़ा सा हैंग करवा के कर सकते हैं, उसमें भी नॉर्मल एंड फील में वैसे इलास्टिक वाला फील आता है। एक्सटेंशन में अगर कभी भी कुछ भी और असेसमेंट या पैसिव मूवमेंट करानी होती है तो आप साइड लाइन में करा सकते हैं, वो आपको और ईजी लगेगा। और फिर एक्सटेंशन का हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा फंक्शनली मूवमेंट्स नहीं होते हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक्सटेंशन को हम लोग पैसिव मूवमेंट जो करने वाले हैं वो सारे के सारे फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन में करके देख लें। बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तब हम लोग फिर एक्सटेंशन को भी असेसमेंट में लेकर आते हैं, फिर पैसिव मूवमेंट में करने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी, अब आपको कोशिश करनी है, जब कभी भी आप कोई पैसिव मूवमेंट करें तो आप एक काम करें कि आप पैसिव मूवमेंट करते समय पेशेंट की रिस्ट को एक तरफ से होल्ड कर लें, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था, इस तरीके से होल्ड कर लें। दूसरा हाथ आप हमेशा स्कूप करके रखें ताकि आप एल्बो के नीचे रख पाएं, और फिर आप जब कभी भी मूवमेंट करेंगे तो वॉकिंग स्टैंस में करके और पूरे हैंड को पीछे तक लेके जाइए, और फिर आप आराम से उसको वापस लेकर आइए। अगर आप वॉकिंग स्टैंस यूज़ करेंगे
तो उसमें फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आपको आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, आप अपनी बॉडी के पूरे वेट के साथ साथ अपने पेशेंट के एल्बो को लेके जा पाएंगे, लेकर आ पाएंगे। अगर कहीं किसी कंडीशन में पेशेंट पेन बता रहा है कि पेन हो रहा है मुझे या मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेशेंट का जितना हैंड हो सके आप उसको अपने बॉडी से उतना ज़्यादा क्लोज कर लें, ऐसे जैसे कि आप पेशेंट के हैंड को हग कर रहे हो। उसके बाद अगर आप पेशेंट को कंफर्ट जोन में ले जाने के बाद आप ऐसे मूवमेंट्स अप्लाई करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप पेशेंट के हैंड को दूर लेके जा सकते हैं और फिर पूरा का पूरा एंड फील तक आप लेके जा पाएंगे। तो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एब्डक्शन हो, एडक्शन हो, या फिर उसके अलावा आप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन हो, आप ये सारी मूवमेंट्स कर पाएंगे। और इसमें आपको तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महसूस करनी है। पहली चीज़ कि जो हमारा पेन है वो कौन सी रेंज में आ रहा है या कैसे हमारा पेन आ रहा है, एंड फील क्या है और हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको तीन चीज़ें ही हैं जो बेसिकली ध्यान रखनी है। और मैंने आपको कुछ कंडीशंस और बता दी हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, मसल स्ट्रेन, तो इन चीज़ों को बारीकियों को ध्यान रखिए कि अगर कोई पेशेंट किसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो फिर आपको उन कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलेगा।